फिर आता है जॉन रॉल्स, रॉल्स थियोरी ऑफ जस्टिस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलोसोफर है। इसने ऐसे लिखा था एक 1958 में, जस्टिस एज फेयरनेस, और फिर बुक लिखी बाद में 1971 में, अ थियोरी ऑफ जस्टिस, जिसके रिस्पॉन्स में फिर नॉजिक ने लिखी थी उसकी बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में। और बेसिकली इगैलिटेरियन है ये, तो लिबरलिज्म को फॉलो करेगा, मार्केट वगैरह को फॉलो करेगा, पर एट द सेम टाइम वेलफेयर फंक्शंस को भी सपोर्ट करेगा, इगैलिटेरियन है। और इसलिए इसकी थ्योरी लिबरल है क्योंकि ये खुद लिबरलिज्म को बिलोंग करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स की बात कर रहा है। प्रोसीजरल है क्योंकि प्रोसीजर ही की ही मेनली वो बात कर रहा है कि अगर जस्ट प्रोसीजर हो तो उसका आउटकम भी जस्ट होगा, हालांकि वो एकोमोडेट भी कर रहा है, आउटकम को की रिक्वायरमेंट को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है, सब्सटेंटिव जस्टिस की रिक्वायरमेंट को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड दो चीज़ें आ जाती है, वही हमारी प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव की, आउटकम या रिजल्ट ओरिएंटेड और दूसरा प्रोसीजर या रूल ओरिएंटेड। तो उसका जोर है प्रोसीजर पे, जस्ट प्रोसीजर वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और यही मतलब जब ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो ये देख रहा है कि भाई फेयर प्रोसीजर में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, तो प्रेजुडिसेस हैं, बायस है, ये सब चीज़ें ऑब्स्टेकल की तरह आती है। इसलिए इसकी फिर जो वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो आइडिया है वो एक तरीके से एड्रेस कर रहा है उस चीज़ को, वो बायसनेस को हटा रहा है, क्योंकि मैं कहाँ पर रखा जाऊँगा सोसाइटी के किस पायदान पे वो मुझे पता नहीं है, तो वेल तो मैं मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास को फिर मैं फेवर नहीं करूँगा, फेवर मतलब बायस्ड नहीं रहूंगा उसके लिए, उस तरीके से फेवर नहीं करूंगा कि अनड्यू फेवर नहीं करूंगा। और अदरवाइज ऑफ कोर्स मैक्सिमम रूल, तो जो मैक्सिमाइज द मिनिमम प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शंस, क्योंकि मैं उसमें भी हो सकता हूँ। एट द सेम टाइम इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि केवल वो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन के प्रोस्पेक्ट्स मैक्सिमाइज करना है, पर साथ में वो मेरिट को भी रिकॉग्नाइज करेगा जब पर्सन रूल सेट कर रहा होगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स जब मतलब ओरिजिनल पोजीशन में, जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हैं और वेल ऑफ इग्नोरेंस है, वो नहीं जानते कि वो किस क्लास में जाएंगे, पर हाँ उनको पता है कि सोशल रियलिटी क्या है, तो वो मैक्सिमम रूल लगाएंगे और उससे फिर फेयर और इम्पार्शियल आउटकम आएगा, ऐसा उम्मीद कर रहा है रॉल्स। इसलिए जस्ट तो वो फेयर होगा, तो जस्टिस इज फेयरनेस। और सोशल गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, फेयर प्रोसीजर होगा तो फेयर आउटकम होगा, ये ओरिजिनल पोजीशन में है। खैर मतलब उसको पता है मतलब कि अलग अलग डिविजन्स होते हैं, फॉर इंस्टांस ए बी सी डी ई, पांच क्लासेस हैं सोसाइटी में, पॉलिटिशियंस की, एडमिनिस्ट्रेटर की, शॉपकीपर्स की, फार्मर्स की, लैंडलेस लेबरर्स की, तो उसको ये सोशल रियलिटी पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस कैटेगरी में वो आएगा, ओरिजिनल पोजीशन में वो अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस है। और चूंकि वो रैशनल क्रीचर है तो फिर वो मैक्सिमम रूल डिराइव करेगा या फॉलो करेगा, और दो रूल वो मतलब कर रहा है, असल में तीन है लेकिन दो में आ जाते हैं, क्योंकि वन और फिर टू में ए और बी आ जाता है। तो एक तो उसका है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ लिबर्टीज, तो अब चूंकि इगैलिटेरियन है यानी लिबरलिज्म के स्कूल को बिलोंग करता है, तो लिबर्टी उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियल है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ लिबर्टी में वो बोल रहा है कि हर किसी को मैक्सिमम पॉसिबल लिबर्टी मिलनी चाहिए, तो लिबर्टी तो सबसे ऊपर है उसके। जो प्रिंसिपल टू है उसमें क्या, वो टू ए में तो बोल रहा है डिफरेंस प्रिंसिपल कि भाई हाँ वो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और वीकर सेक्शन को सपोर्ट करो, और टू बी में वो बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब ये कि सबको मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी एक तरीके से मेरिट बेस्ड सिस्टम की बात कर रहा है। तो तीन अलग अलग चीज़ें उसने, लिबर्टी को भी इंक्लूड कर लिया, डिफरेंस प्रिंसिपल यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन को भी इंक्लूड कर लिया, और मेरिट को भी इंक्लूड कर लिया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। तो और इसके लिए लेक्सिकल प्रायोरिटी उसने क्या दी है, लेक्सिकल प्रायोरिटी, लेक्सिकल जैसे कि लेक्सिकॉन भी बोलते हैं कई सॉर्ट ऑफ अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ भी लेक्सिकल प्रायोरिटी बोल रहा है, तो मतलब ऑर्डर क्या होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर किसी केस में तो ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो लिबर्टी प्रिंसिपल है,
इक्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ लिबर्टीज, कि लिबर्टी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको हमेशा ऊपर रखो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो प्रिंसिपल वन इज ओवर राइट्स प्रिंसिपल टू, और प्रिंसिपल टू में प्रिंसिपल टू बी ओवर राइट्स टू ए इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो टू बी जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी मेरिट वाला है, वो डिफरेंस प्रिंसिपल को ओवर राइड करेगा इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो वो बोल रहा है वेलफेयर करो सब करो, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब उसको आप मेरिट वाला एकदम उसको ही वायलेट कर दो. अब वो लिबर्टी बोल रहा है तो उसका मतलब मार्केट सिस्टम को एक तरीके से, उसका इम्प्लीकेशन मार्केट सिस्टम हो गया, सपोर्ट कर रहा है वो मार्केट को, लेकिन उसके कारण फिर इनइक्वालिटी नेचुरल है, ये भी अंडरस्टूड है, इसलिए वो डिफरेंस प्रिंसिपल को भी फेवर कर रहा है. लेकिन उसका कहना है ये कि इट शुडंट मीन कि भाई नो रिकॉग्निशन टू मेरिट, इसलिए फिर उसने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी दिया है, और उसको मतलब हायर प्रायोरिटी पर रखा है डिफरेंस प्रिंसिपल के. तो एक तरीके से जैसे मंडल केस या मंडल का जो भी आया था, उसके बाद इंदिरा साहनी केस जो था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिजर्वेशन कुछ शायद ऐसा, मुझे भी जानकारी नहीं है इसकी असल में ठीक से, केवल मतलब नाम रेफरेंस में आता है हमारे पॉलिटी की बुक नोट्स में, लेकिन डिटेल्स मुझे नहीं पता, पर कुछ ऐसा भी था शायद कि 60% हो गया था इसमें, क्योंकि मतलब 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए भी कुछ करने का कुछ था कुछ, तो उसमें इंदिरा सोनी केस में मतलब शायद उसको चैलेंज किया होगा. तो कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 50%, अदरवाइज इट विल कॉन्फ्लिक्ट विद जो भी बोला होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं, अदरवाइज इट विल कॉन्फ्लिक्ट विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो 50% डिफरेंस प्रिंसिपल को भी फेवर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एट द सेम टाइम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी वायलेट नहीं होने दे रहा है. तो कह सकते हैं हम कि भाई रॉल्स के ही लाइंस पे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, और लिबर्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. क्यों? क्योंकि लिबरल है वो, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डिफरेंस प्रिंसिपल या पॉजिटिव एफर्मेशन से अपॉर्चुनिटी, मेरिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए. और इन मोस्ट कंट्रीज देयर इज बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो मेरिट और नीड का बैलेंस, कुछ ना कुछ बैलेंस मिलेगा सभी कंट्रीज में. तो उस सेंस में भी मतलब रॉल्स का रेलेवेंस समझा जा सकता है, भले ही वो मतलब रॉल्स की थ्योरी के बिना भी मतलब इन प्लेस होगा वो. तो और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमने देख लिए, मार्केट हो जाएगा लिबर्टी वाले प्रिंसिपल से, डिफरेंस प्रिंसिपल से वेलफेयर फंक्शंस ऑफ द स्टेट, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में मेरिट को वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है. और रॉल्स के लिए जस्टिस के मायने क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन. उसके हिसाब से एथिक ऑफ रिवॉर्ड मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, उसका कोट है ये कि जस्टिस इज नॉट ओनली द एथिक ऑफ रिवॉर्ड, इट इज द एथिक ऑफ रिड्रेस ऑल्सो. तो एथिक ऑफ रिवॉर्ड मतलब मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन. तो जस्टिस केवल मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं है, बल्कि एथिक ऑफ रिड्रेस के बारे में भी है, मतलब कंपनसेशन के बारे में भी है. सो रॉल्स इज रिकॉग्नाइजिंग मेरिट बट ऑल्सो रिड्रेस और कंपनसेशन. ही इज ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग रिड्रेस एंड कंपनसेशन. जो डिफरेंस प्रिंसिपल है उसको वो कैसे जस्टिफाई कर रहा है? चेन प्रिंसिपल से, कि भाई सोसाइटी है वो एक चेन की तरह है, जो स्ट्रॉन्गर सेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग लिंक्स की तरह है चेन में, जबकि वीकर सेक्शन है वो वीक लिंक की तरह है. तो चेन की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर लिंक्स पे नहीं डिपेंड करेगी, बल्कि वीक लिंक पे. वीक लिंक टूट गई मतलब चेन टूट गई. तो ऐसे वो जस्टिफाई कर रहा है डिफरेंस प्रिंसिपल को, और एट द सेम टाइम वो बोल रहा है एक तरीके से कि अच्छा वीक लिंक ऐसे भी कि भाई जो स्ट्रॉन्गर है वो रिवोल्यूशन के वो चेंज नहीं लाएगा, वो सिस्टम को चैलेंज भी नहीं करेगा, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद अच्छी स्ट्रॉन्गर पोजिशन में है, गुड पोजिशन में. लेकिन वीकर सेक्शन कैन डू दैट. तो रॉल्स मतलब सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नॉजिक को हम अभी देखेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा पॉजिटिव अफर्मेशन को. Rawls's purpose is to present an ideal to the people who are involved in distribution process. तो जो लोग भी distribution process में हैं उनके लिए एक ideal present कर रहा है Rawls की, भाई आप बनाने के पहले मेरी theory पढ़ लो. और mainly मतलब ये legislators होंगे या फिर जो delegated legislation होता है bureaucrats वगैरह, जो भी मतलब इनके in any case जो भी मतलब उसके लिए जो भी बना रहा हो उसके लिए ये present कर रहा है ideal.
तो लिबर्टी प्रिंसिपल से वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, मार्केट सोसाइटी को या मार्केट को, लेकिन रेगुलेटेड मार्केट को, वो नॉजिक या हेयक की तरह अनरेगुलेटेड मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। डिफरेंसिव प्रिंसिपल से वो सपोर्ट कर रहा है वेलफेयर स्टेट को, एफर्मेटिव एक्शन को, और उसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है, चेन प्रिंसिपल से। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से वो बैलेंस कर रहा है प्रोसेस ऑफ वेलफेयरिज्म को विद मेरिट, कि यही कहना है उसका कि इट शुड नॉट क्रॉस अ लिमिट, अदरवाइज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ वुड बिकम अनजस्ट। क्रिटिसिज्म क्या है रॉल्स के लिए, कि भाई पहला तो क्रिटिसिज्म आ जाएगा मार्क्सिस्ट लोगों का कि रॉल्स खुद लिबरल है तो उसकी थ्योरी भी लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म के फ्रेमवर्क में है, जबकि ये लोग मानते हैं कि कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म इनहरेंटली अनजस्ट है, मार्केट इनहरेंटली अनजस्ट है, तो फिर जस्टिस पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो नकार देंगे या फ्रीडम क्रिटिसाइज करेंगे। दूसरा, ये लिबरलिज्म में ही जो लिबर्टेरियंस हैं वो भी क्रिटिसाइज करेंगे रॉल्स को, क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से लिबर्टी को किल कर देगा, वेलफेयर फंक्शंस को सपोर्ट कर रहा है। फिर तीसरा नॉजिक का, जो कि मतलब सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म है, रॉल्स की बुक आई थी अ थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में, और नॉजिक की बुक आई थी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में, तो एक तरीके से रिस्पॉन्स था रॉल्स को। तो उसका कहना है कि भाई वीक एथिकल फाउंडेशन पे बेस्ड है, वो तो बोल रहा है, रॉल्स बोल रहा है कि मैं कांटियन एथिक्स से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन नॉजिक अपना लॉजिक दे रहा है कि वो कांटियन एथिक्स से फॉलो नहीं कर रहा है, वो एक तरीके से ऐसे सिस्टम में वो वेलफेयर फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है, वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, वेलफेयर स्टेट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाएगा उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये असल में एथिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे में कुछ लोगों को मीन्स बना लिया जाएगा, जबकि कांट ने क्या, कांटियन एथिक्स में क्या है, यू शुड नॉट एवरी मैन या जो भी एवरी मैन शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड 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 नॉट मीन्स, लेकिन यहाँ पे तो आप मीन्स की तरह ट्रीट कर रहे हो। उसका एग्जाम्पल जैसे सर ने दे रखा है कि मान लो कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करता है, 10 घंटे की पगार उसको, हर 1 घंटे की पगार 1,000 रुपये है, 10 घंटे में 10,000 रुपये, लेकिन सरकार उससे प्रोग्रेसिव टैक्स ले रही है 30%, तो 3,000 रुपये टैक्स में दे दिया, यानी उसको तनख्वाह कितनी मिली, 7,000 रुपये, लेकिन 7,000 रुपये तो 7 घंटे का रिन्यूमरेशन है, तो बाकी के तीन घंटे एक तरीके से आपने उससे काम करवा लिया, लेकिन आप पैसे नहीं दे रहे हो, विदाउट पेमेंट, विदाउट हिज विश, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से ये पार्शियल लेबर, बॉन्डेड लेबर हो गया, या स्लेवरी हो गई एक तरीके से, 3 घंटे के लिए फोर्सफुल एक्विजिशन हो गया, आपने फोर्सफुली उससे 3,000 रुपये ले लिए एक तरीके से, तो इस तरीके से वो बोल रहा है पार्शियल स्लेव्स बना दे रहे हो आप, बॉन्डेड लेबर बना रहे हो, तो एक तरीके से आप दूसरों के फायदे के लिए इनको मीन्स बना रहे हो, दूसरे आपका एंड हो गया, और ये लोग जिनसे आप प्रोग्रेसिव टैक्स ले रहे हो वो आपके मीन्स हो गए, तो इट वायोलेट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, इट वायोलेट्स कांटियन एथिक, वायोलेट्स हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, जबकि रॉल्स क्लेम तो ये कर रहा था कि वो कांटियन एथिक्स फॉलो कर रहा है, तो ये नॉजिक का कहना है। और अगर रॉल्स का क्रिटिसिज्म आया कि भाई क्रिटिकली एनालाइज रॉल्स ऑन मॉरल एथिकल ग्राउंड्स, तो उस क्वेश्चन में फिर हम नॉजिक की बात ज़रूर करेंगे, क्यों, क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है एथिकल ग्राउंड्स पे, मॉरल ग्राउंड्स पे, तो ये पर्सपेक्टिव हम देंगे कि भाई हम बताएंगे कि भाई रॉल्स की थ्योरी ये प्रैक्टिकली गुड है लेकिन एथिकली वीक है, किसके इस पर्सपेक्टिव से कि जो नॉजिक ने दिया आर्ग्यूमेंट, लेकिन इवेंच फाइनली हम उसको कॉन्ट्रेडिक्ट भी कर देंगे, क्योंकि हम तो सपोर्ट करना है हमें तो रॉल्स को, और हम साथ में बोल देंगे कि नो थ्योरी इज परफेक्ट बट दैट थ्योरी इज गुड विच इज मोर इंक्लूसिव, तो रॉल्स की थ्योरी चूंकि इंक्लूसिव है, सबको इंक्लूड कर रही है, मेरिट को भी रिकग्नाइज कर रही है, डिफरेंस प्रिंसिपल भी दे रही है वीकर सेक्शंस को, नीड बेस्ड भी कर रही है, मेरिट बेस्ड भी कर रही है, तो इंक्लूसिव है, इसलिए कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है, लेकिन रॉल्स की थ्योरी बढ़िया थ्योरी है, क्यों, क्योंकि इट इज़ मोर इंक्लूसिव, तो हम नॉजिक को कॉन्ट्रडिक्ट कर लेंगे, बल्कि हम साथ में ये भी जोड़ देंगे कि लॉजिकल आउटकम ऑफ नॉजिक्स थ्योरी विल बी मोर डिजास्ट्रस, क्यों, क्योंकि इट विल क्रिएट ह्यूज इनइक्वालिटीज, और ऐसे सिस्टम में जो इनइक्वालिटी वाले सिस्टम में इवन मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी ट्रीटेड एज मीन्स, या मोस्ट पीपल विल बी ट्रीटेड एज मीन्स, क्योंकि कुछ लोग ही परेटो प्रिंसिपल 80-20 या जो भी, तो इवन हम ये जोड़ देंगे कि भाई नॉजिक के हिसाब से तो की थ्योरी के
के हिसाब से तो और मतलब बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी ये वो, और मींस मतलब जो एथिकल फाउंडेशन की बात कर रहा है वो खुद वायलेट हो जाएगा ऐसी अनइक्वल सोसाइटी में। इसके अलावा नॉजिक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अगेंस्ट है, लेकिन एज सच वो उसका ये जस्ट फॉर मतलब इन्फो यूं भी कह रहा है वो कि भाई लोग खुद ही पे करेंगे। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का आइडिया वो भले ही मना कर रहा हो, लेकिन अदरवाइज वो बोल रहा है कि लोग खुद टैक्स पे करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को भी लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, कई तरह की सर्विसेज चाहिए। तो उस तरीके से वो नहीं रिजेक्ट कर रहा है टैक्सेशन का आइडिया, बल्कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को वो बोल रहा है। खैर मतलब फेमिनिस्ट का क्या क्रिटिसिज्म है, तो दो उनके मतलब हैं। पहला तो ये कि भाई मेल टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यूज़ कर रहा है रॉल्स, जैसे ही लगा रहा है वो, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। ये मेल सुप्रीमेसी को की मेंटेलिटी शो कर रहा है ऐसा ऐसा। सर एग्जांपल दे रहे थे जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं, या चेयरमैन होता है विमेन कमीशन का भी चेयरमैन, चेयरवुमन क्यों नहीं, इस तरह का उनका आर्ग्यूमेंट है फेमिनिस्ट का। फेमिनिस्ट का दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ऐसे जो रॉल्स हैं पर्सनल और पॉलिटिकल के बीच में, वो डोमेस्टिक और पब्लिक के बीच में डिवाइड को एक्सेप्ट कर रहा है। पता नहीं अब वो, मैंने तो पढ़ी नहीं है कुछ एक्सप्लिसिटली, वो ऐसा कह रहा है कि मैं डिस्टिंक्शन डिवाइड करके देख रहा हूँ डोमेस्टिक अलग है पब्लिक अलग है, या फिर सिंपली ही इज साइलेंट। तो इन एनी केस मतलब फेमिनिस्ट का ये कहना है कि भाई पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो आप ऐसे अलग नहीं कर सकते हो पब्लिक को डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक लाइफ को पब्लिक लाइफ से, क्योंकि इनजस्टिस फैमिली में होता है वो जो भी मतलब पर्सनल इज पॉलिटिकल। फिर कम्युनिटेरियनिज्म, कम्युनिटेरियंस के हिसाब से वो भी बोलेंगे कि भाई रॉल्स तो यूनिवर्सल थ्योरी, अपनी थ्योरी को यूनिवर्सल थ्योरी बोल रहा है, लेकिन एज सच यूनिवर्सल थ्योरी कुछ होता नहीं है, यूनिवर्सल जैसा कुछ होता नहीं है, हर चीज़ कल्चर बाउंड होती है। जस्टिस भी कल्चर बाउंड कंसेप्ट है, तो ये कम्युनिटेरियंस का हो जाएगा। और कम्युनिटेरियनिज्म क्या है, उनके हिसाब से मानना है नथिंग इज एब्सोल्यूट, नथिंग इज यूनिवर्सल, एवरी सोसाइटी हैज़ डिफरेंट सोशल कल्चरल पैटर्न, देयरफॉर आइडियाज और वैल्यूज वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सोसाइटी टू सोसाइटी। तो कम्युनिटी टू कम्युनिटी, कम्युनिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है कल्चर टू कल्चर। फिर अगर सवाल आता है कि भाई रॉल्सियन थ्योरी इज अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनजस्टिस कमेंट, जैसे फेमिनिस्ट का जो क्रिटिसिज्म है उसके बैकग्राउंड में अगर ऐसा सवाल आता है कि ये जेंडर इनजस्टिस को सॉल्व नहीं कर सकता रॉल्स की थ्योरी, तो इसको भी हम तो रॉल्स को ही सपोर्ट करेंगे। हम पहले इसका व्यू दे देंगे कि हाँ अकॉर्डिंग टू वन ग्रुप या अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट इट इज़ अनेबल टू सॉल्व, लेकिन फिर हम बोलेंगे कि बट सिंस रॉल्स टॉक्स अबाउट वीकर एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस एंड इफ वी पुट विमेन इन दिस कैटेगरी देन रॉल्स थ्योरी कैन बी यूज्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनजस्टिस। तो वही मतलब कि यूजफुल है, रॉल्स की थ्योरी कहीं भी अप्लाई हो सकती है, इंटरनेशनल जैसे वो चार्ल्स बीट्स के हिसाब से, या फिर जेंडर वाले में भी इशूज को भी डील कर सकती है। तो पहले दोनों क्रिटिसिज्म फेमिनिस्ट के करेंगे, जो मेल टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाला भी और दूसरा पर्सनल इज पॉलिटिकल वाला भी। और फिर हम बोलेंगे कि अगर उनको वीकर सेक्शन में, चूंकि वीकर सेक्शन की बात कर रहा है, तो फिर अगर हम उनको वीकर सेक्शन में रख रहे हैं तो रॉल्स की थ्योरी एड्रेस कर सकती है। कॉन्ट्रीब्यूशन या सिग्निफिकेंस ऑफ रॉल्स क्या है भाई? पहला तो ये कि वीकर सेक्शंस की बात कर रहा है, लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस की बात कर रहा है, उनको सपोर्ट देने की बात कर रहा है, वेलफेयर की बात कर रहा है, जो कि मतलब ज़रूरी है सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है और एथिकली भी जस्टिफाइड है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि मतलब उसकी थ्योरी से वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी को आंसर कर रहा है, वो भी बैलेंस्ड वे में। मतलब ये कि मार्केट और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बैलेंस्ड वे में एड्रेस कर रहा है। इसके अलावा जो वो एनालाइज कर रहा है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस के बीच में रिलेशनशिप इन अ बैलेंस्ड वे, और एक तरीके से उनको कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा है, बोल रहा है कि ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और फिर चार्ल्स बीट्स का कहना ये कि भाई ये इंटरनेशनल लेवल पर भी रॉल्स की थ्योरी अप्लाई की जा सकती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या इनजस्टिस में, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज क्या हो जाएंगे, लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी,
तो एक तरीके से मतलब जब उसको इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं हम, तो एक तरीके से CBDR का प्रिंसिपल है, हम उससे भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की को वो सपोर्ट कर रहा है डिफरेंस प्रिंसिपल से। इसके बाद आता है नॉजिक, नॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसकी बुक का नाम क्या है? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। तो ये लिबर्टेरियन है तो ऑब्वियसली मार्केट को सपोर्ट करेगा, लिबर्टी को सपोर्ट करेगा, मतलब लिबर्टी सपोर्ट नहीं केवल बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियल होगा उसके लिए। ही विल बी अगेंस्ट प्लानिंग। अब उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो जस्टिस को कैसे डिफाइन कर रहा है, उसके लिए जस्टिस क्या है? एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट है, इसलिए इसको एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। तो नॉजिक की क्या है? एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। और एंटाइटलमेंट से क्या तात्पर्य है? एंटाइटलमेंट मतलब वैलिड क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल, कोई भी वैलिड क्लेम एंटाइटलमेंट हो गया। तो सर एग्जांपल दे रहे थे कि कोई बंदा आए और पतंजलि का AC लेने लगे कि भाई मैं लूँगा ये क्योंकि मेरा इस कारण से मेरा क्लेम वैलिड है। तो वैलिड है या नहीं है वो फिर उसके उसको कैसे समझें, तो उसके लिए जस्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जस्टिस उसके लिए मतलब नॉजिक अपनी थ्योरी दे रहा है एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, जहाँ वैलिड क्लेम की वो बात कर रहा है। वैलिड क्लेम क्या हो सकते हैं और उसके भी पहले किन चीज़ों पर हो सकते हैं? तो तीन चीज़ों पर हो सकते हैं, या तो देयर सेल्फ्स की इंडिविजुअल का खुद का जो भी माइंड टैलेंट बॉडी जो भी है वो खुद, मतलब ये एक चीज़ है जिस पे क्लेम हो सकता है उसका। दूसरा नेचुरल वर्ल्ड की चीज़ों, नेचुरल वर्ल्ड पे क्लेम हो सकता है, नेचुरल वर्ल्ड की चीज़ों पे क्लेम हो सकता है जैसे कि रिसोर्सेज, लैंड वगैरह, मिनरल्स। और तीसरा कि नेचुरल वर्ल्ड से जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उन्हीं के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति ने नेचुरल वर्ल्ड की चीज़ों को मॉडिफाई करके कोई प्रोडक्ट बनाया, तो ये एक चीज़ हो गई। तो ये तीन चीज़ें हैं, जैसे कि आयरन ओर से स्टील बना दिया किसी ने, तो ये तीन चीज़ें हैं जिन पे लोग क्लेम कर सकते हैं, देयर सेल्व्स, नेचुरल वर्ल्ड एंड तीसरा प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल वर्ल्ड बाय देयर सेल्व्स। तो इन तीन चीज़ों पे क्लेम कर सकते हैं। और वो क्लेम सही होगा कि नहीं, वो सही होगा अगर इन तीन अगर तीन प्रिंसिपल में से कोई एक फॉलो हो रहा है। तो तीन प्रिंसिपल दिए हैं उसने वैलिड क्लेम के लिए। पहला प्रिंसिपल है इनिशियल एक्विजिशन, तो दो कंडीशन लागू होनी चाहिए उसमें। ए, प्रीवियसली अनोन्ड हो कोई चीज़ जो भी लैंड या रिसोर्सेज, एंड बी, समबडी यूजेस हिज लेबर टू मॉडिफाई इट। तो उसने आयरन ओर से स्टील बना लिया, प्रीवियसली अनोन्ड था, इनिशियल एक्विजिशन, तो वो बिल्कुल वैलिड क्लेम बोल रहा है उसको। दूसरा प्रिंसिपल है वॉलंटरी ट्रांसफर, उसमें भी दो कंडीशन है, ए, प्रीवियस ओनर, मतलब पहले कोई उसका ओनर है, एंड बी, द ओनर वॉलंटरीली डिसोसिएट्स। तो ये वॉलंटरी डिसोसिएशन या तो वो मार्केट एक्सचेंज हो सकता है कि बदले में कुछ ले रहा हो, या फिर गिफ्ट हो सकता है, किसी भी केस में ये वैलिड क्लेम होगा। तो मार्केट एक्सचेंज बोल रहा है, मार्केट को सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। थर्ड प्रिंसिपल है रेक्टिफिकेशन या करेक्शन, तो इसमें भी दो कंडीशन है और दोनों फुलफिल होनी चाहिए, ए, अनजस्ट एक्विजिशन हिस्टोरिकली, एंड बी, डिमांड टू रेक्टिफाई और रिटर्न इट। तो वो इसमें भी एंड चूंकि सब में लगा है तीनों प्रिंसिपल्स में, तो इसमें भी जैसे अनजस्ट एक्विजिशन हिस्टोरिकली हुआ है वो तो ठीक है, रेक्टिफिकेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कंडीशन बी कि भाई डिमांड टू रेक्टिफाई और रिटर्न इट। तो अगर ब्रिटेन कोहिनूर ले गया है अनजस्ट तरीके से, इन केस ले गया है, तो केवल वो पर्याप्त नहीं है, डिमांड करेगा इंडिया, उसके बाद उसको रिटर्न करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। और जो सेकंड प्रिंसिपल था जो वॉलंटरी ट्रांसफ़र का, कि भाई प्रीवियस ओनर था कोई, प्रीवियस ओनर एंड दूसरी कंडीशन वॉलंटरी डिसोसिएशन, तो उसमें अगर सेकंड प्रिंसिपल में स्टेट अगर फोर्सिबली ले ले किसी से, ओनर से, कि भाई हाँ नीडी आदमी को देना है, तो फिर वो अनजस्ट हो जाएगा, जैसे कि वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या और दूसरी जगह वो बोल रहा है। तो यहाँ भी वो यही बोल रहा है कि वॉलंटरी ट्रांसफ़र अलग चीज़ है, लेकिन अगर फोर्सिबली स्टेट लेता है नीडी को देने के लिए तो फिर वो अनजस्ट हो जाएगा। अगर वो खुद अपनी स्वेच्छा से गिफ्ट के तौर पर दे रहा है या मार्केट एक्सचेंज है तो अलग बात है। तो रॉबर्ट नॉजिक ने कैसे डिफाइन किया जस्टिस को? जस्टिस एज इंटाइटलमेंट, जबकि जॉन रॉल्स ने कैसे किया? जस्टिस एज फेयरनेस। और ऑब्वियसली मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी है जस्टिस की, स्पेशली रॉल्स की, मतलब लीगल थ्योरीज नहीं है ये।